शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, कहा शिक्षक मार्गदर्शक, परामर्शदाता और मित्र के रूप में करते हैं काम। झारखंड समेत देश भर में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर आज मनाया जा रहा ईद मिलान उन नबी का त्यौहार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में डेंगू ने बढ़ाई परेशानी, हर रोज बढ़ रही मरीजों की संख्या, गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा। ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की महिला और पुरुष टीम की धमाकेदार जीत, पुरुष वर्ग में असम को 10 गोल से और महिला वर्ग में 24 गोल से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कल रांची में एक निजी विद्यालय के आयोजित गार्गी मंजू सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य के निर्माता और मार्गदर्शक होते हैं, जो युवा मस्तिष्क को दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक मार्गदर्शक, परामर्शदाता और मित्र के रूप में काम करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि देश का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विकास होगा। इसके लिए सभी तक शिक्षा की पहुंच आवश्यक है और यह हम सभी का दायित्व भी है। In the house, when some guest is waiting for you in the front of the house, we call them inside. We will try to share the food what is available with them. We may not be making a fresh one for them, but we always share our food with them. That is one requirement. The so-called scientifically developed nations, the so-called well-developed nations, the so-called राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कर दिया है। चार दिवसीय विशेष सत्र इस महीने की 18 तारीख को शुरू हुआ था और 21 सितंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हाल ही में संपन्न हुए इस विशेष सत्र में संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अदालतों, न्यायाधिकरणों और अर्ध न्यायिक निकायों को एचआईवी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामले का जल्द निपटारा करने का आदेश दिया है। एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी के मुआवजे के दावे को नामंजूर करने के राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के खिलाफ अपील पर ये निर्देश दिए हैं। आयुष मंत्रालय आगामी रविवार को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आयोजन करेगा। का राष्ट्रीय आयोग और 750 से ज्यादा कॉलेजों वाले राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग भी इस आयोजन में हिस्सा लेगा। स्वच्छता ही सेवा 2023 की थीम कचरा मुक्त भारत है। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद समेत अन्य की सजा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई एवं प्रतिवादियों का पक्ष सुना। विस्तृत सुनवाई के लिए खंडपीठ ने दिसंबर के दूसरे सप्ताह में तिथि निर्धारित करने को कहा है। इधर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर रोज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नेहरू युवा केन्द्र रांची द्वारा ओरमांझी प्रखंड के कई गांवों में घर घर जाकर मिट्टी और चावल एकत्र किए जा रहे हैं।
आज ओरमांझी प्रखंड के बारेडी गांव में नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधियों ने घरों से चावल और मिट्टी एकत्रित किए। झारखंड समेत देश भर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है। मिलाद उन नबी इस्लामी पंचांग के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने आपसी भाईचारा और शांति का पैगाम दिया था। राजधानी रांची में ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची में जगह जगह जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन हो रहा है, साथ ही कई जगहों पर धार्मिक सभा भी आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हो रहे हैं। मौलाना असगर मिशबाही ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। और आज ही के दिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया भी हैं और तमाम नबियों की क़यादत और सियादत आपने की। यही वजह है कि मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में अपनी मुसर्रत का इजहार करते हैं। गढ़वा जिले के रंका मोड़ पर जश्न मिलाद उन नबी के जलसा में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हुए। साथ ही उपायुक्त तो शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना हम सबका कर्तव्य बनता है। उधर खूंटी में भी जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। कई जगहों पर बाइक रैली सह जलसा निकाला गया। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है और इसीलिए हम लोग आज उनका यौम पैदाइश पे खुशियां मनाते हैं। पाकुड़ जिले में भी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। मौके पर जिला मुख्यालय में मिलादुन्नबी जुलूस निकाला गया जिसमें इस्लाम धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया। जुलूस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये हर साल हम लोग चांद के 12 तारीख को रबी अव्वल का महीने मनाते हैं और विश्व अमन दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। इक्वलिटी इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मैं सभी देशवासियों, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देती हूं। आज पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर हम सब सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़कर मानवता के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईद मिलाद उन नबी की बधाइयां दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईद मिलाद उन नबी के पावन अवसर पर आप सभी को दिली मुबारकबाद। पैगंबर मोहम्मद साहब का सद्भाव, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम पूरे समाज को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच डेंगू के रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्हें डेंगू की स्थिति से अवगत कराया गया। उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन उपायों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि केंद्र ने स्क्रीनिंग किट के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में डेंगू के बढ़ते मरीजों ने परेशानी बढ़ा दी है। हर रोज डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इधर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर गढ़वा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त और सिविल सर्जन को खामियों को दूर करने का निर्देश भी दिया। निर्देशित किया यहाँ के सिविल सर्जन को कि उन कमियों को दूर किया जाए और एक समन्वय बनाकर जिला प्रशासन के साथ और जो भी विभाग की ओर से जो भी दिशा निर्देश आते हैं उनका अनुपालन ससमय सुनिश्चित कराया जाए ताकि लोग बीमारियों की चपेट में ना आए। खूंटी जिले में तीन अलग अलग थाना क्षेत्रों में कल हुई घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। पहली घटना अड़की में मछली पकड़ने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में एक युवक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं तीसरी घटना सायको थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के लोगों को पिछले दो महीने से जन वितरण प्रणाली की दुकानों से अनाज नहीं मिल रहा है। इसे परेशान सैकड़ों कार्डधारियों ने शिवनगर गांव के ग्राम प्रधान जीवन सोरेन के नेतृत्व में उपायुक्त से राशन डीलर की मनमानी पर रोक लगाने और अनाज मुहैया कराने की मांग की है। डीलर के संबंध में डीलर हम लोग को राशन नहीं दे रहा है तो फिंगर करता है, कभी ई करता है, देबे नहीं करता है। बेचारा भूख से मर रहा है, गरीब लोग। खूंटी के कचहरी मैदान में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें स्थानीय दुकानदारों के साथ साथ अन्य राज्यों से आए छोटे हस्तशिल्प दुकानदारों ने भी स्टॉल लगाया है। पापड़ है आपका, राजस्थानी बैग सर, वो भी यूनिक है, आप ले सकते हैं। ये खादी का दुकान लगाया हुआ है और खादी का शर्ट कुर्ता बंडी कपड़ा में सब मिलाए हुए हैं। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी में बच्चों की कुर्तीस, बैग्स, कुशन कवर एंड अलग से मेरा है लियोन की कुर्ती सेट, नायरा सेट। रिस्पांस ठीक है। देश भर में 10 दिनों से चल रहा गणेश उत्सव आज गणपति विसर्जन के साथ ही संपन्न हो जाएगा। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणपति बप्पा को आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी। गणेश जी को बुद्धि का अधिदेवता और विघ्नहर्ता माना जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश अपने लोक लौट जाते हैं और इसके साथ ही भक्तों की सारी परेशानी संकट भी अपने साथ ले जाते हैं। विधि पूर्वक गणपति का विसर्जन करने से साल भर भक्तों के घर धन सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है।
भगत सिंह को उनकी जयंती पर नमन। भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका बलिदान और अटूट समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। वो हमेशा न्याय और स्वतंत्रता के लिए भारत के अथक संघर्ष का प्रतीक बने रहेंगे। और इसी के साथ इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए खाते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन, इसके बारे में कहा जाता है उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ विद्वान भी, चिंतक, अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाए, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 2 दिनों से मॉनसून एक बार फिर सक्रिय रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर को राज्य के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों और 1 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी और उससे सटे उत्तरी तथा दक्षिण पश्चिम भागों में भारी बारिश हो सकती है। आकांक्षी जिला पाकुड़ में एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर्व सेवा समिति एवं कृषि विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष जूली क्रिसमनी हेम्ब्रम ने किया। कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, मत्स्य पशुपालन, उद्यान, भूमि संरक्षण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। किसान भाइयों और बहनों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और बीच बीच में ITC के आत्मा के तहत से, सुनहरा कल के तहत से जो कार्यशाला होती है उससे अभी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि बहुत किसान लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ के महिलाओं भी भाग ले रही। ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की महिला और पुरुष टीम की धमाकेदार जीत हुई। पुरुष वर्ग में असम को 10 गोल से और महिला वर्ग में 24 गोल से पराजित किया। और अब फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू के सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिले में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। कुछ योजनाओं की धीमी प्रगति पर सांसद ने नाराजगी व्यक्त कर संबंधित अधिकारी से सवाल जवाब भी किए। साथ ही पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुपालन के विषय पर भी चर्चा की गई। आजसू पार्टी की ओर से रामगढ़ जिले के कुजू थाना क्षेत्र के तरवाटाण में मांडू विधानसभा स्तरीय बूढ़ा कर्मा झूमर प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो और गिरडी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी उपस्थित थे। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की बैठक चुनाव पदाधिकारी ललित केडिया की अध्यक्षता में हुई। चुनाव पदाधिकारी ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी और राज्य के व्यापारी, उद्यमी एवं प्रोफेशनल्स के हित में कार्य करने की सलाह दी। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कृषि आपूर्ति, विद्युत, समाज कल्याण, पशुपालन आदि विभागों से संबंधित कार्यों का बिंदुवार समीक्षा किया।
खूंटी के उपायुक्त सह अध्यक्ष डीएमएफटी लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में न्याय परिषद और प्रबंधकीय समिति जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। पलामू जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण अंतर्गत लंबित आवास को पूर्ण करने के लिए विभाग के निर्देशानुसार चलो करे आवास पूरा अभियान के तहत राज्य स्तरीय टीम ने जिले के पाटन और तरहसी प्रखंड के गांवों का दौरा किया। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के गोनिया पुल के पास सड़क लूट की घटना को अंजाम देने आए 3 सड़क लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लुटेरों के पास से पुलिस ने 1 बंदूक और 5 गोली बरामद की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री प्रफुल्ल आकांत ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन, गुणवत्ता, राष्ट्रीयता, सहभागिता जैसे कार्य लगातार संगठन कर रहा है। साथ ही परिषद ने युवा शक्ति के मन में निरंतर राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र गौरव के भाव का संचार किया। राजधानी रांची में जुलूस मोहम्मदी के दौरान ट्रैफिक संभालने के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। साथ ही गुदरी चौक, करबला चौक, विक्रांत चौक, चर्च रोड, एकरा मस्जिद सहित कई जगहों पर बैरिकेडिंग का इंतजाम भी किया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग के साइबर थाने ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मनीष कुमार और अरुण कुमार शामिल हैं। दोनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 मोबाइल फोन और बैंक खाता एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बलदेव साहू महाविद्यालय स्थित नवनिर्मित राइफल शूटिंग रेंज क्लब का अभिनेत्री भाग्य श्री ने उद्घाटन किया। मौके पर राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि लोहरदगा छोटा जिला होने के बावजूद यहां खिलाड़ियों की कमी नहीं है। विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धा में क्षेत्र के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन कर न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि इस जिले को भी गौरवान्वित करने का कार्य किया है। हांगझोऊ एशियन गेम के 5वें दिन की समाप्ति तक भारत 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज समेत 22 पदक जीतकर पदक तालिका में 7वें स्थान पर बना हुआ है। भारत ने कल निशानेबाजी में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किया। बाल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने स्वर्ण की रेस में चीन को पीछे छोड़ा। अर्जुन सिंह चीमा, सरबजोत सिंह ने व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में भी स्थान बना लिया है। एशियाई खेलों में भारत ने वुशु प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित कर दिया। कल राजकोट में खेले गए सीरीज के अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान टीम को 66 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के सामने 353 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और जवाब में भारतीय टीम ने 286 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारियां खेली। मिचेल मार्श ने सर्वाधिक 96 रनों की पारी खेली तो वहीं भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए जबकि कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। भारत की ओर से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी अर्धशतकीय पारियां खेली तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने 4 विकेट झटके। और अब कारोबार जगत की खबरें। बोले उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना की पेशकश के 10 दिन के भीतर ही इस योजना का लाभ लेने के लिए 1.40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं सरकार ने समुद्री मार्ग से आयातित माल के लिए होने वाले भुगतान को 5% एकीकृत माल एवं सेवा कर से छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने IGST अधिनियम में बदलाव को 1 अक्टूबर से अधिसूचित किया है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार जैसे विदेशी कंपनियों को 1 अक्टूबर से GST नियमों का पालन करना होगा। इन कंपनियों को 18% की दर से GST का भुगतान करना होगा। सरकार के सार्वजनिक खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस से ने सत्यापन प्रक्रिया सख्त करके पिछले 3 साल में बड़ी संख्या में फर्जी विक्रेताओं को बाहर निकाला है। इसमें से कुछ विक्रेता भारत के पड़ोसी देश चीन के भी थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, कहा शिक्षक मार्गदर्शक, परामर्शदाता और मित्र के रूप में करते हैं काम।
झारखंड समेत देश भर में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर आज मनाया जा रहा ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में डेंगू ने बढ़ाई परेशानी, हर रोज बढ़ रही मरीजों की संख्या। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा। ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की महिला और पुरुष टीम की धमाकेदार जीत, पुरुष वर्ग में असम को 10 गोल से और महिला वर्ग में 24 गोल से किया पराजित।